younger girl. सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अल्लूर इंटरनेशनल की जानिब से नूर अमरोही साहब की जानिब से कि आप आज इस महफिल में शरीक हैं। हमारे वो मेहमान शौरा जो दूर दूर से तशरीफ लाए हुए हैं आपकी मौजूदगी इस मुशायरे के वकार में इजाफा कर रही है। दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं इस महफिल का हिस्सा हूँ और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मैं उसके लिए अपने आप को बहुत ही अपना तसव्वुर करती हूँ। सिर्फ ये कहना चाहूँगी आप तमाम मेहमान के लिए हमारे मुशायरे कराम के लिए जो यहाँ मौजूद हैं और हर वो शख्स जो आज इस महफिल में हमारे साथ शरीक है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों में डूबी हुई है, ये दुनिया नफरतों में डूबी हुई है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आज ये जश्न है जो अल्लूर इंटरनेशनल की जानिब से मनाया जा रहा है और डैलस के जितने भी हमारे मेहमान हैं जो कम्युनिटी के मेंबरान हैं उन्हें शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डैलस में जश्न किस तरह मनाया जाता है। एक बार मैं चाहूँगी कि पुरजोश तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे हर उस शोहरे कराम का, हर उस मेहमान का जो आज इस महफिल में शरीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा नाम अल्लूर इंटरनेशनल का जिसे किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं, जो शमा जो चराग जलाया है अल्लूर इंटरनेशनल ने उसकी रोशनी सारी दुनिया में फैल रही है और ये डैलस की खुशनसीबी है कि अल्लूर इंटरनेशनल और नूर अमरोही साहब हमारे डैलस की कम्युनिटी का हिस्सा हैं। मैं जहमत देना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत को जिनकी शिरकत इस महफिल के वक़ार का अंदाज़ा करती है। आप सबकी पुरजोश तालियों में मैं दावत दे रही हूँ अदब और एहतराम के साथ के तशरीफ लाएँ हमारे सदर मुशायरा इकबाल हैदर साहब पुरजोश तालियों में। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, साहिब दीवान शायरा भी हैं, उनकी सरपरस्ती हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए जेरे सरपरस्ती हमारी डॉक्टर शमसा कुरैशी साहिबा का कि वो तशरीफ लाएं आप सबकी पुरजोश तालियों में। डैलस बहुत खुशनसीब है कि हमें ऐसी शख्सियात का, ऐसे लोगों का साथ हासिल है जिन्हें हम धूप में एक साहिबा की हैसियत कह सकते हैं।
एक ऐसी शख्सियत जिनका बहुत नाम है, बड़े एहतराम से मैं चाहूँगी हमारे मेहमान एजाजी आज के मुशायरे के अजहर अजीज साहब के वो तशरीफ लाएं स्टेज पे, मैं दावत देना चाहूँगी। वो हमारे तमाम मेहमान जो बाहर तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अगर वो अंदर तशरीफ ले आए तो हम इस मुशायरे का बाकायदा आगाज भी कर सकें। नूर अमरोही अलूर इंटरनेशनल की बहुत मोहब्बतें, बड़ी चाहते हम सबके साथ हैं, और हमारे वो तमाम शोरा जो आज यहाँ मौजूद हैं उन सबको हमें ये याद भी दिलाना है कि जालस की ये शाम हमेशा हमेशा हम सबको याद रहेगी। मुशायरे का इससे पहले कि आगाज़ किया जाए, मैं दावत कलाम के लिए भी बुलाना चाहूँगी और स्टेज पे तशरीफ के लिए बुलाना चाहूँगी मैं हमारे उन शोरा कराम को जिनको हम सब सुनने वाले हैं। आप सबकी पुरजोश तालियों में हमारी कम्युनिटी का एक अहम नाम जूनो सिजाज साहब से मैं तशरीफ करूँ, गुजारिश करूँगी कुछ हो सकता है शोरा कराम का हमें इंतज़ार करना पड़े, लेकिन इंतज़ार कभी अपना ही एक मज़ा है। आप सबकी पुरजोश तालियों में मसूद काजी साहब तशरीफ लाइए, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ, बहुत बड़ा नाम हमारी कम्युनिटी का। सईद कुरैशी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तशरीफ लाइए। एक और नाम जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं, आप सबकी पुरजोश तालियों में डॉक्टर आमिर सुलेमान से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पे, डॉक्टर आमिर सुलेमान। जैसे जैसे हमारे मेहमान आते रहेंगे हम आपसे उनका तारुफ भी कराते रहेंगे। आप सबकी पुरजोश तालियों में एक ऐसी शायरा जिन्हें हम सुनते रहते हैं, जिनकी आवाज़ से हम वाकिफ हैं, नाहिद शायद शार साहिबा से मैं गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। कुछ मेहमान हमारे अभी नहीं आए हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आप सबकी पुरजोश तालियों में एक और नाम जो जाना पहचाना है, मैं दावत देना चाहूंगी प्रमोद राजपूत साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। आप सबकी पुरजोश तालियों में एक और नाम जो आपकी मोहब्बतों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, आप सबकी पुरजोश तालियों में एजाज शेर साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। एजाज शेर साहब पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा आसिफ नंदानी साहब का कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। भरपूर तालियों में आसिफ नंदानी साहब। वो तमाम अफराद जो बाहर हैं, मैं फिर से उनसे गुजारिश करूंगी कि वो बराए मेहरबानी अंदर तशरीफ ले आएं क्योंकि मुशायरे का आगाज हो चुका है। एक ऐसा नाम जिसे हम शमा अफरोजी के लिए बुलाना चाहेंगे, पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम। मैं गुजारिश करना चाहूंगी एबी डांडिया साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपकी पुरजोश तालियों में गुजारिश करूंगी सदर मोहतरम से कि वो आए और शमा फौजी के इस मुबारक मौके पर हमारे साथ दें। बाला हज़रत साहब प्लीज तशरीफ लाएं। मुशायरे की तहजीब को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा नाम जिनकी सरपरस्ती हमें हासिल है, हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर शमसा कुरैशी साहिबा हमारे साथ भी हैं, हमारी सरपरस्त भी हैं। डालस में जब भी अदब की बात हुई है आपके नाम को याद रखा गया है और हमेशा याद रखा जाएगा। मैं चाहूँगी पुरजोश तालियों में कुछ चंद अल्फाज कहने के लिए बुला रही हूँ मैं डॉक्टर शमसा कुरैशी साहिबा को। तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम।
کرام اور خواتین حضرات، السلام علیکم. میرے لیے آج یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ اسٹیج پر تشریف فرما بہت ہی اتنی عظیم ہستیوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، حالانکہ میں نے نور امروہی صاحب سے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے سامعین میں ہی رکھا کریں، لیکن یہ ان کی محبت ہے اور وہ میرے بھائی کی طرح ہیں، لہٰذا مجھے ان کا مان رکھنا پڑتا ہے. دوسری رہی جہاں تک مشاعروں کی بات، تو اپنے عزیز وطن سے، وطن عزیز سے جدا ہو کر میں، میرے لیے بس مجھے یہ ادبی سرگرمیاں یہ ایسی وجہ نظر آتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں اپنی زبان، اپنی تہذیب اور اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہوں. اور دوسرا مقصد ساری دنیا میں امن و امان، پیار، محبت اور انسانیت کو پھیلانے کا ہے. میں نے ہمیشہ اپنی شاعری کے ذریعے یہی پیغام دیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ درس دیتے رہیں کہ ہم اپنی شاعری اور زبان کے ذریعے سے کہ نفرت اور حسد میں کچھ نہیں رکھا، سب ایک رہیں، سب نیک رہیں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک ہو. میری جانب سے اور انور انٹرنیشنل کی جانب سے تہ دل سے شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی، جو ہمارے مہمان نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، 10 منٹ کا وقفہ ہے اور اس کے بعد پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. میں جب بھی یہ دوستی، پیس، یونٹی کی باتیں سوچتا ہوں تو یہ چہرہ میرے دماغ میں ہمیشہ آتا ہے، اور وہ اپنے نور صاحب ہیں، تو وہ اپنے نور صاحب ہیں. بیکاز میں ان سے جب بھی ملتا ہوں وہ ہمیشہ محبت کی باتیں کرتے ہیں، یونٹی کی باتیں کرتے ہیں، پیس کی باتیں کرتے ہیں. اور میں، مجھے یاد ہے ان کے ساتھ ایک مشاعرے میں بھی میں گیا تھا ممبئی میں، اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ ان کی کیا عزت ہے. وہاں کے جو بھارت میں جو شاعر ہیں ان میں نور امروہی کا نام ایک بہت بڑا نام ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مشاعرے کے بعد لوگ لائن لگا رہے تھے ان کے ساتھ تصویریں لینے کے لیے، اور یہاں تک کہ میڈیا بھی ان کا ویٹ کرتی تھی انٹرویو لینے کے لیے. اور اتنے بڑے بڑے مشاعرے یہاں پہ ارینج کرتے ہیں اور پھر خود کہیں سائڈ میں کھڑے رہتے ہیں، یہ جو ان کے اندر شالینتا ہے، یہ جو ہیومیلٹی ہے ان کے اندر، یہ دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے. آدمی یا تو بڑا ہوتا ہے یا ہمبل ہوتا ہے، یہ دونوں ہیں، یہ ریئر ہوتے ہیں ایسے لوگ. میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی اسے تعریف ہوں. ان کے لیے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نمو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اب میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ ایک خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں گے، اور ان کی باتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. ان کے وجہ سے میں اتنا چاہوں گا کہ کہنا چاہوں گا کہ ڈالس میں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ ہندی یا اردو بولتے ہیں، انہوں نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ یہ پہلے تو فنیشیا ریڈیو میں بہت پاپولر تھی، آج کل ریڈیو کاروں میں دھوم مچایا ہوا ہے انہوں نے،
और नूर साहब के महफिलों की तो धड़कनें हमेशा होती ही हैं, तो प्लीज मैं और अब समय नहीं लेता हूँ, आपके सामने लेके आता हूँ शाजिया खान को। बहुत शुक्रिया प्रमोद राजपूत साहब और तमाम मेहमान जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। मैंने ये हमेशा कहा है कि मेरी खुशनसीबी ये है कि मुझे आप सबकी मोहब्बतें मिली हैं। मेरी गलतियाँ बहुत हैं लेकिन मैं गलतियों को सीखने के लिए मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन शहर और कोई नहीं हो सकता था, तो हम डैलस वालों के लिए एक दफ़ा पुरजोश ताली हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम बात करते हैं अदब की, जब हम बात करते हैं कवि सम्मेलन की, जब हम बात करते हैं उर्दू की, तो हमारे जहन में आलमी मुशायरे के नाम से, नातिया मुशायरे के नाम से जो एक नाम जहन में उभरता है वो एक ऐसा नाम है जिसे किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। वो लोग हकीकत में इंसान नहीं होते जो अजमत इंसान की पहचान नहीं होते, और होता है ज़रा मुश्किल हर काम जमाने में, होता है ज़रा मुश्किल हर काम जमाने में, मंजिल के सभी रास्ते आसान नहीं होते। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनका पैगाम हमेशा से मोहब्बत रहा है, मोहब्बत है पैगाम जहाँ तक भी पहुँचे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो शम्मा अलनूर इंटरनेशनल ने और नूर अमरोही साहब ने रोशन की है, उसकी रोशनी रहती दुनिया तक कायम रहेगी। पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए नूर अमरोही का, डॉक्टर नूर अमरोही तशरीफ लाए। नाज़िम-ए-मुअज़्ज़म सदर मोहतरम आली जनाब इकबाल हैदर साहब, मोहतरमा डॉक्टर शमसा कुरैशी साहिबा, मोअज़्ज़िज़ शोहराए किराम, तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ अलूर इंटरनेशनल का। ये तकरीबन 15वां मुशायरा है, 10-15 नातियाँ हो चुके हैं और ये 10वां बहरिया मुशायरा है। अलूर इंटरनेशनल को ये एजाज हासिल है कि डैलस में वो मुशायरे उस अंदाज के मुनाकिद किए कि जो अभी तक कम अज़ कम अमेरिका में मुनाकिद नहीं हुए। क्रूज़ मुशायरा हुआ या टावर मुशायरा हुआ या ओपन एयर का भी मुशायरा नहीं हुआ, वो भी हुआ। और एक चीज़ की कमी मैं महसूस करता था कि जहाँ से हम चराग जला रहे हैं इल्म व अदब का, तहजीब का, और यहाँ पे जो रोशनी फैला रहे हैं शोहराए किराम, इनमें कोई भी ऐसा शायर नहीं है कि जिसे बैन अवी मैार पर ना रखा जा सकता हो, तो इनके लिए एक शाम मुनद की जाए। लिहाजा आज ये जो मुशायरा है ये डेडिकेट है हमारे मकामी शुरा को, जश्न शुराए डेलस। मैं चाहता हूँ तालियों में आप इनका इस्तकबाल कीजिएगा। हमारे मौजूद हैं, तशरीफ ला चुके हैं, ये शमा जल चुकी है, जो नहीं आए हैं शुराए कराम तो अब यहाँ पर देर से तशरीफ लाए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, मैं नाम दे रहा हूँ, तशरीफ लाएँ। हमारे शुरा के डेलस की जैसे परस्ती एक ऐसा नाम कर रहा है पूरी दुनिया में जिसे यूनुस एजाज के नाम से जानते हैं। आज मुशायरे में तशरीफ लाए हैं यहाँ पर, मैं जरा इसी वजाहत कर दूँ, आप उनका इंस्टाग्राम नहीं देख रहे होंगे, उनको कहीं जाना था, उनकी कोई कमिटमेंट थी, लेकिन मुझे पता चला कि कब वो कैंसिल हुई, तो एजाज यूनुस एजाज साहब तशरीफ लाए। आइए एजाज साहब यहाँ पर। मित्तल जी हमारे सरपरस्त हैं, मित्तल जी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए सामने यूनुस एजाज साहब के साथ, बल्कि आप मुशायरा शुरू हो चुका है ताखिर के लिए। माजरत नाज कर रहा था कि डैलस को ये एजाज हासिल है कि यहाँ पर हमने उस अंदाज के मुशायरे सजाने की कोशिश की जो इससे पहले यहाँ पर नहीं हुए थे, और आपका तआवुन और खलूस रहा तो इसी तरह इंशाल्लाह रहेगा। बकौल शायर के आमिर सुलेमान साहब से मेरी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आए यहाँ पर, ये जो शेर लिख रही है
شاکر چکروتی صاحب آپ بھی شاعر ہیں ہمارے آج کے، آپ یہاں تشریف لائیے گا، یہاں تشریف لائیے گا۔ مشیرہ صاحب آپ سے گزارش ہے یہاں جائیے۔ ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب سے درخواست ہے یہاں تشریف لائیے گا۔ آپ ادھر تشریف لگیں تاکہ کارروائی آگے بڑھے۔ راجی چکرن صاحب سے درخواست ہے کہ آئے تشریف لائیں۔ مشاعرے کو ذرا سا ماحول بنائے رکھیے گا پلیز، میری آپ سے درخواست ہے۔ تو میں یہاں پر آنا ضرورت ہوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دہلیز پہ رکھتی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، دہلیز پہ رکھتی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، وہ تم میری آواز میں آواز گرا دو پھر دیکھنا شہر میں کیا ہو نہیں سکتا، تم میری آواز میں آواز ملا دو پھر دیکھنا تمہارے شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن مجھے وقت کا بہت خیال ہے، وہ مشتاق یوسفی کے ایسا لگتا ہے ایسے کہ مواقع پر جیسے کوئی دلا ہو اسے قاضی جو ہے تو اپنی تقریر جو ہے کھینچتا رہے اور اسے بڑی صحبت سے گزرنا پڑے۔ میں آپ کی جگہ لیتا ہوں لیکن میں نے چند اشعار لکھے تھے، میں وہ نثر کی جگہ آپ کو یہاں زحمت دے رہتا ہوں سننے کی، وہ سن لیجیے گا۔ یہ ادبی شخصیات کا خوشبو کا مجموعہ، یہ چند میں نے اشعار لکھے تھے صدر محترم کی اجازت سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہ نہ ہندوستان کی خوشبو نہ پاکستان کی خوشبو، نہ ہندوستان کی خوشبو نہ پاکستان کی خوشبو، یہ ڈیلس سے مہکتی ہے یہاں انسان کی خوشبو، ڈیلس سے مہکتی ہے یہاں انسان کی خوشبو، اور یہاں اقبال حیدر ہیں یہاں مسعود قاضی ہیں، یہاں اقبال حیدر ہیں یہاں مسعود قاضی ہیں، یہاں ناہید زہرا آصف و فرحان کی خوشبو، یہاں ناہید زہرا آصف و فرحان کی خوشبو۔ آصف صاحب آپ، اور شعر دیکھیں کہ ادب سے ڈاکٹر شمسہ قریشی کو جو نسبت ہے، ادب سے ڈاکٹر شمسہ قریشی کو جو نسبت ہے، انہی کے دم سے ہے اس شہر میں احسان کی خوشبو، شہر میں احسان کی خوشبو، اور یہاں اعجاز و مطل، دیکھیے عجیب اتفاقت اور ساتھی ہو گئے ہیں، یہاں اعجاز و مطل اور شریف پرمود رہتے ہیں، کہاں ابھی پرمود ہیں، یہاں اعجاز و مطل اور شریف پرمود رہتے ہیں، مہکتی ہے یہاں گیتا کی اور قرآن کی خوشبو، مہکتی ہے یہاں گیتا کی اور قرآن کی خوشبو، یہاں یہاں اعجاز و مطل، یہاں اعجاز و مطل اور شریف پرمود رہتے ہیں، مہکتی ہے یہاں گیتا کی اور قرآن کی خوشبو۔ اور یہاں پر ڈاکٹر عامر، یہاں پر ڈاکٹر عامر سعید احمد قریشی سے، یہاں پر ڈاکٹر عامر سعید، میں معذرت خواہ ہوں سعید پرویز صاحب، چونکہ بہر میں وہ سعید قریشی نہیں آ رہا تھا، یہاں پر ڈاکٹر عامر سعید احمد قریشی سے، ہر ایک جانب معطر ہو گئی گلدان کی خوشبو، اور یہ ساری خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں شہر میں ہر سو، یہ ساری خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں شہر میں ہر سو، کہیں پر شازیہ شوکت، کہیں عرفان کی خوشبو، عرفان شوکت محمد صاحب ہمارے اس مشاعرے کے بیک بون ہیں، کہیں پر شازیہ شوکت، کہیں عرفان کی خوشبو، خوشبو یہ اردو گھر کا دفتر ہے کہ جس کی، یہ اردو گھر کا دفتر ہے، بسی ہے جس کی چوکھٹ میں، ڈاکٹر عامر سلیمان نے اردو گھر بسایا ہے، وہ رشتہ 8-10 سال سے چل رہا ہے، یہ اردو گھر کا دفتر ہے، بسی ہے جس کی چوکھٹ میں، فراز و جوش و فیض و اختر و ایمان کی خوشبو، یہ اردو گھر کا دفتر ہے، بسی ہے جس کی چوکھٹ میں، فراز و جوش و فیض و اختر و ایمان کی خوشبو۔ اور شعر آخر کے، یہاں ہم سال میں ایک نعت کی محفل سجاتے ہیں، یہاں ہم سال میں ایک نعت کی محفل سجاتے ہیں، مہکتی ہے یہاں پھر نعتیہ دیوان کی خوشبو، مہکتی ہے یہاں
پھر ناچیہ دیوان کے خوشبو اور کسی شاطر نے گھر آپس میں نفرت بھولنا چاہیے، کسی شاطر نے گھر آپس میں نفرت بھولنا چاہیے تو ہر سازش پہ غالب آ گئی ایمان کی خوشبو، تو ہر سازش پہ غالب آ گئی ایمان کی خوشبو۔ میں اس مشاعرے میں آپ کو سرپرائز تھوڑی دیر کے بعد میں ہوگا، وہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ میں یہاں سرسری ان کا تذکرہ کروں اور آگے چل دوں، بلکہ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک عالمی شخصیت بین الاقوامی شخصیت ہمارے اس مشاعرے میں تشریف فرما ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ کی اس سماعتوں کو نظر کروں گا، ان کا تعارف و تعریف کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ میں کہ کیا ہو، دل رکھ دیا ہے سامنے لا کر، دل رکھ دیا ہے سامنے لا کر خلوص سے، اب اس سے آگے کام تمہاری نظر کا ہے۔ شازیہ خان، مائک آپ کے حوالے، آپ مائک کے حوالے اور آپ تمام حضرات اللہ کے حوالے۔ ایک بار پھر ان تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں جو آج اس جشن میں النور انٹرنیشنل کے اس مشاعرے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور مشاعرے کا آغاز ہو ہی چکا ہے تو میں دعوت کلام دینا چاہوں گی ہمارے ایک اور شاعر جن کا تعارف میں بہت، ان کی تعریف میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، پاس امیروں کی بستی ہو یا کچی آبادی ہو، پاس امیروں کی بستی ہو یا کچی آبادی ہو، دستک اس دروازے پہ دو جو کھلنے کا عادی ہو۔ آپ سب کی پرجوش گالیوں میں آصف ناتانی صاحب کو میں گزارش کروں گی ان سے کہ وہ تشریف لائیں پرجوش تالیوں میں۔ دستک اس دروازے پر دو جو کھلنے کا عادی ہو، گھر والوں کی بات بجا ہے پر اتنی آزادی ہو، گھر والوں کی بات بجا ہے پر اتنی آزادی ہو، ایک محبت تھوپی جائے دوجی غیر ارادی ہو۔ علم و دانش کے بل بوتے پر عزت اور نام ملے، علم و دانش کے بل بوتے پر عزت اور نام ملے، شاہ گدا کے آگے کاسہ لے کر خود پر یادی ہو۔ تو ایک مختصر سی غزل ہے، ایک زبان شیریں خلیق لہجہ نفاق اندر لیے ہوئے ہیں، زبان شیریں خلیق لہجہ نفاق اندر لیے ہوئے ہیں، جن سے وابستہ زندگانی وہی تو خنجر لیے ہوئے ہیں۔ وہ جو پرانی پہیلیاں تھیں میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، وہ جو پرانی پہیلیاں تھیں میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، ہیں کون سے وہ پرند ایسے جو پیر سر پر لیے ہوئے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ پہلی سنتے تھے کہ وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پیر ہوتے ہیں، تو سارے پرندوں کے سر پر اور پیر ہوتے ہیں، سر پر اور پیر ہوتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے میں نے یہ شعر بنایا تھا کہ وہ جو پرانی پہیلیاں تھیں میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، ہیں کون سے وہ پرند ایسے جو پیر سر پر لیے ہوئے ہیں۔ ٹپکتے اشکوں کو پونچھ لیتی ہیں اپنے پلو سے مائیں، لیکن ٹپکتے اشکوں کو پونچھ لیتی ہیں اپنے پلو سے مائیں، لیکن یہ چند قطرے بھی اپنے اندر کئی سمندر لیے ہوئے ہیں۔ بنا کے کاغذ کی کشتیوں کو چلانا بارش کے پانیوں میں، بنا کے کاغذ کی کشتیوں کو چلانا بارش کے پانیوں میں، وہ خواب آنکھوں میں بس گئے ہیں جو سن 78 لیے ہوئے ہیں۔ جو بے گناہوں کی جان لیتے ہیں دین و مذہب کا نام لے کر، جو بے گناہوں کی جان لیتے ہیں دین و مذہب کا نام لے کر، عجیب ہی عجیب
अजीब ये है नजर में हूरे अदद 72 लिए हुए। आखिरी शेर इस कदर का, अभी तो माथे पे नेकियों का आया हुआ है सियाह धब्बा, अभी तो माथे पे नेकियों का आया हुआ है सियाह धब्बा, मुझे मोहल्ले के चोर गुंडे अभी से सर पर लिए हुए। बहुत शुक्रिया। और अपना कलाम पेश कर रहे थे आपके सामने आसिफ नथानी साहब। एक बार फिर उस आवाज को आपके सामने पेश किया जाएगा जो हमारे दिलों के करीब है, जिन्हें हम सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं और उनकी महफिलों में शिरकत भी करना चाहते हैं। पुरजोश तालियां। एक ऐसा शेर जो हम सबके दिल के करीब है, हम सबके दिल की आवाज है। नहीं हो उनका जब साया दुआएं काम आती हैं, नहीं हो उनका जब साया दुआएं काम आती हैं, कि दुनिया से गुजर के भी ये माएं काम आती हैं, कि दुनिया से गुजर के भी ये माएं काम आती हैं। आप सबकी पुरजोश तालियों में दावत कलाम दे रही हूँ डॉक्टर नूर अमरोही को, के तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो मेजबान था, सबसे पहला नंबर था सदर मोहतरम की इजाजत से, बहुत इख्तिसार के साथ से मैं 8 शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुतफरिक अशआर के अपने नज़्मों से। शेर के सरकार उसकी कैसे करेगी शनाख्त, आपके काम आएगा। इन्होंने कम्युनिटी के लिए, यूनिटी के लिए बहुत काम किया है डांडिया साहब। कि सरकार उसकी कैसे करेगी शनाख्त, एक हादसे में जिसके अंगूठे भी कट गए, एक हादसे में जिसके अंगूठे भी कट गए। और दूसरा शेर के, मैं अपनी बात पे कायम हूँ अब भी जिंदा हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ अब भी जिंदा हूँ, कहाँ गए वो मुझे जहाँ से मारने वाले, कहाँ गए वो मुझे जहाँ से मारने वाले। और तीन शेर एक गजल के, तुम्हारे शहर का चालों चलन नाराज आया, तुम्हारे शहर का चालों चलन नाराज आया, मैं वरना अपना यहाँ घर बसाने वाला था, मैं वरना अपना यहाँ घर बसाने वाला था, और हमारी बात तुम्हारी समझ में क्या आती, हमारी बात तुम्हारी समझ में क्या आती, तुम्हारी सोच का महवर जमाने वाला था, तुम्हारी सोच का महवर जमाने वाला था। और शेर देखे कि तुझे खरीदने वालों ने छू लिया तुझको, तुझे खरीदने वालों ने छू लिया तुझको, वगरना मैं तेरी कीमत लगाने वाला था, वगरना तुझे खरीदने वालों ने छू लिया तुझको, वगरना मैं तेरी कीमत लगाने वाला था। दुआ कबूल हुई मेरी आखिरी लम्हे, दुआ कबूल हुई मेरी आखिरी लम्हे, वगरना मैं तो मुसल्ला उठाने वाला था, वगरना मैं तो मुसल्ला उठाने वाला था। और शेर और सुन लीजिएगा कि ना हम गुबार न शीशे में बाल रखते हैं, ना हम गुबार न शीशे में बाल रखते हैं, दिलों का जहर जुबा से निकाल रखते हैं, दिलों का जहर सुबह से निकाल रखते हैं, अजीम लोग हैं तहजीब का असासा है, अजीम लोग हैं तहजीब का असासा है, जो दुश्मनी में बड़ों का ख्याल रखते हैं, जो दुश्मनी में बड़ों का ख्याल, अजीम लोग हैं तहजीब का असासा है, जो दुश्मनी में बड़ों का ख्याल रखते हैं। आपकी समातों का बेहतिया शुक्रिया। हॉल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, मेरी गुजारिश है कि जो हजरात यहाँ तशरीफ लाना चाहें सामने, तो वो यहाँ बैठ जाए, इससे ज़मीन पे रहने का भी थोड़ा सा आदत पड़ जाती है। डॉक्टर नूर अमरोही अपना कलाम पेश कर रहे थे। खुश आमदीद उन तमाम मेहमानों को जो अभी तशरीफ लाए हैं अलूर इंटरनेशनल के इस मुशायरे में। आप सभी को तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। एक ऐसा नाम जो शायरी के अलावा इंसानी खिदमत भी कर रहे हैं, इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बुलाना चाहूंगी आप सबकी पुरजोश तालियों में। एजाज तेरा शेर मैं चाहने का नाम हो, एजाज तेरा शहर मैं चाहे का नाम हो,
انسانیت میں ہاں مگر اونچا مقام ہو انسانیت میں ہاں مگر اونچا مقام ہو اجاز شیخ صاحب بیوٹی آف ہیومینٹی کے نام سے ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ انسانی خدمت کے اس حوالے سے ان کا ساتھ بھی دیجیے پرجوش تالیوں میں استقبال کیجیے اجاز شیخ صاحب ایک مطلب اور ایک شعر عرض کرتا ہوں
रहबर रहजन हो जाए, रहबर रहजन हो जाए यकीन की बेबसी देखो तो, रहबर रहजन हो जाए यकीन की बेबसी देखो तो, ना खुदा डुबोते कश्ती को मौजों की दिल लगी देखो तो। रहबर रहजन हो जाए यकीन की बेबसी देखो तो, ना खुदा डुबोते कश्ती को मौजों की दिल लगी देखो तो। और शेर अर्ज करता हूं कि तुम मेरे नहीं हो मालूम है, तुम मेरे नहीं हो मालूम है, मैं भी और किसी का हूं। तुम मेरे नहीं हो मालूम है, मैं भी और किसी का हूं, फिर भी तुम ही को चाहे है ये दिल की खुदकुशी देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरे नहीं हो मालूम है, मैं भी और किसी का हूं, फिर भी तुम ही को चाहे है ये दिल की खुदकुशी देखो तो। एक पतला और एक शेर और अर्ज करता हूं आपके सामने। मेरे चार अगर मेरी बात सुन, मेरे चार अगर मेरी बात सुन, मेरे दर्द की तो दवा न ले। मेरे चार अगर मेरी बात सुन, मेरे दर्द की तू दवा न दे, मेरा दर्द हासिले इश्क है मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे चार अगर मेरी बात सुन, मेरे दर्द की तू दवा न दे, मेरा दर्द हासिले इश्क है मुझे जिंदगी की दुआ न दे। और शेर अर्ज करता हूं कि सब जख्म पुराने भर गए, सब जख्म पुराने भर गए, कोई सितम नया अब दे मुझे। सब जख्म पुराने भर गए, कोई सितम नया अब दे मुझे, डर है मेरा, डर है मुझे, मेरा जब्त गम तेरा हौसला हिला न दे। एक और मतलब दो शेर। यह हादसा तो बस बहाना था, यह हादसा तो बस बहाना था, तूने यूं ही छोड़ जाना था। यह हादसा तो बस बहाना था, तूने यूं ही छोड़ जाना था, एक बार फिर चढ़ा सच सूली पे, एक बार फिर चढ़ा सच सूली पे, झूठ के साथ फिर जमाना था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। दो शेर और अर्ज करता हूं फिर अपनी सीट लेता हूं। मंदिर भी है दूर और हूं मैं भी शिकस्ता हुआ, मंदिर भी है दूर और हूं मैं भी शिकस्ता हुआ, चलो आज अपनी मां के ही पांव दबाए जाए। मंदिर भी है दूर और हूं मैं भी शिकस्ता पा, चलो आज अपनी मां के ही पांव दबाया जाए। कत्ले आम में इंसान और इंसानियत दोनों मरे हैं, कत्ले आम में इंसान और इंसानियत दोनों मरे हैं, इंसानों को दफनाया है तो इंसानियत को जलाया जाए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद राजपूत साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे, और इससे पहले कि हम और शौराय कलाम को यहाँ इजाज़त दें, दावत कलाम दें, नूर अमरोह भी आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं और कुछ एजाजात हैं जो हम तकसीम करना चाहेंगे अपने मेहमानों में। तशरीफ लाइए। से नहीं हुई मुझसे बात, इतनी बढ़ा चुका हूँ एक उम्मीद थी तेरे दर से, एक उम्मीद थी तेरे दर से, तेरे दर से भी जा चुका हूँ एक उम्मीद थी तेरे दर से भी जा चुका हूँ मैं। अब समंदर की भूख का क्या डर, अब समंदर की भूख क्या का क्या डर, अब तो लंगर उठा चुका हूँ मैं। अब समंदर की भूख का क्या डर, अब तो लंगर उठा चुका हूँ मैं। अब बहुत देर हो चुकी सैयद, अब बहुत दूर आ चुका हूँ, अब बहुत देर हो चुकी सैयद, अब बहुत दूर आ चुका हूँ मैं। हर किसी से निभा चुका हूँ
यार अब तंग आ चुका हूँ। बहुत खूब पुरजोश तालियां हो जाएं फरहान से इतनी आपके लिए अपना कलाम पेश कर रहे थे। दावते कलाम देना चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिनकी आवाज़, जिनका नाम डैलस के लिए नया नहीं है, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत अंदाज हमारे डैलस का एक और मशहूर नाम नाहिद शाद साहिबा को कि वो तशरीफ लाएं। जिंदगी हम क्या रखें भला तेरे गुजरने का हिसाब, जिंदगी हम क्या रखें भला तेरे गुजरने का हिसाब, वक्त की नाव पे जीने का सफर रखा है, वक्त की नाव पे जीने का सफर रखा है। दावत कलाम दे रही हूँ नाहिद शाद साहिबा को। तशरीफ इस ईमा पे तुझे मौतबर रखा है, जिंदगी इस ईमा पे तुझे मौतबर रखा है कि मेरे मालिक ने दुआओं में असर रखा है। थैंक यू। कि मेरे मालिक ने दुआओं में असर रखा है, जिंदगी हम क्या रखें भला तेरे गुजरने का हिसाब, जिंदगी हम क्या रखें भला तेरे गुजरने का हिसाब, वक्त की नाव पे जीने का सफर रखा है। अज़ल की चंद शार पेश करती हूँ। शबे फिराक न सुबह विसाल बाकी है, शबे फिराक न सुबह विसाल बाकी है, मगर तुम्हारा अभी तक ख्याल बाकी है। फिराक ना सुबह विसाल बाकी है, मगर तुम्हारा अभी तक ख्याल बाकी है। ये और बात कि वो तख्त छिन गया तुमसे, ये और बात कि वो तख्त छिन गया तुमसे, ये और बात कि जाहो जलाल बाकी है। ये और बात कि वो तख्त छिन गया तुमसे, ये और बात कि जाहो जलाल बाकी है। वो कातिलों को रिहाई दें बेगुनाह को सजा, वो कातिलों को रिहाई दें बेगुनाह को सजा, कि मुनसिफों का यही तो कमाल बाकी है, कि मुनसिफों का यही तो कमाल बाकी है। अभी से जिंदगी बेलुत्फ हो गई कैसे, अभी से जिंदगी बेलुत्फ हो गई कैसे, अभी निगाह में तेरा जमाल बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि अभी निगाह में तेरा जमाल बाकी है, और वक्त अर्ज करती हूँ कि तो फिर समझिए कि बाकी है आदमी शाद, तो फिर समझिए कि बाकी है आदमी शाद, अगर तमीज़े हराम हो हलाल बाकी, अगर तमीज़े हराम हो हलाल बाकी। नाम पेश कर रही थी और ये छोटा सा एजाज अनमोल इंटरनेशनल की जानिब से आपके लिए। ज़ोरा चिश्ती साहिबा, एक जाना पहचाना नाम, एक मोतबर शख्सियत जिन्हें हम तरन्नुम से साल साल से सुनते आ रहे हैं, और आज फिर हमें ये मौका मिला है कि हम उनकी आवाज़ सुन पाएं। हम जिसके लिए बदनाम हुए वो शख्स बड़ा हरजाई है, हम जिसके लिए बदनाम हुए वो शख्स बड़ा हरजाई है, हम किससे कहें अपनी विपता उसका तो हर एक शैदाई है, हम किससे कहें अपनी विपता उसका तो हर एक शैदाई है। दावती का नाम देना चाह रही हूँ मैं ज़ोरा चिश्ती साहिबा को, जिन्हें हम ज़ोरा चिश्ती आपा भी कहते हैं, कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें, और साथ साथ एक छोटा सा एजाज आपके लिए तशरीफ़ लाएं। Hey.
जो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस
बताइए और एजाज पेश कीजिए। इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं दावते कलाम देना चाहूँगी एक और नाम हमारे डैलस का, जो जाना पहचाना है, उनकी सरपरस्ती हमेशा हमारे साथ रही है। उर्दू अदब की बात हो, अलनूर इंटरनेशनल की बात हो, या कम्युनिटी ने जब भी उन्हें पुकारा है, उन्होंने बढ़ के हमारा हाथ हमेशा थामा है। पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा डॉक्टर समसा कुरैशी साहिबा का। ये मोहब्बत भी अजब चीज़ हुआ करती है, ये मोहब्बत भी अजब चीज़ हुआ करती है, लबों खामोश तो आँखों से कहा करती है, लबों खामोश तो आँखों से कहा करती है। डॉक्टर शमसा हमारे अलनूर इंटरनेशनल की सरपरस्ती हैं और साहिब दीवान शायरा भी हैं। हमारे शहर डैलस को इन पे नाज है। पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर शमसा कुरैशी साहब। कसरत आप बहुत छूट चुके मेरे, आज मैंने सोचा कि कुछ नज़में आपकी नज़र पर। मेरी नज़म का अनुमान है अमन सुकून। ऐ खुदा मेरे कलम को बख्श दे ऐसा फसूँ, ऐ खुदा मेरे कलम को बख्श दे ऐसा फसूँ, मेरी तहरीरों से आए हर तरफ अमन सुकून, मेरी तहरीरों से आए हर तरफ अमन सुकून, जगमगा उठे मेरी तहरीर से इफ्कार से, जगमगा उठे मेरी तहरीर से इफ्कार से, हर नफस अहले नजर अहले फिरत अहले जुनून, जगमगा उठे मेरी तहरीर से इफ्कार से, हर नफस अहले नजर अहले फिरत अहले जुनून। रात की तारीखियाँ हों सुबह हो या शाम हो, रात की तारीखियाँ हों सुबह हो या शाम हो, चैन से तू भी रहे वो भी रहे मैं भी रहूं, चैन से तू भी रहे वो भी रहे मैं भी रहूं। हर तरफ अमनो अमां हो दोस्ती हो प्यार हो, हर तरफ अमनो अमां हो दोस्ती हो प्यार हो, दोस्तों का बोल वाला दुश्मनों का सर नहीं, दोस्तों का बोल वाला दुश्मनों का सर नहीं, ख्वाब हो जाए हमेशा के लिए खौफो हिरास, ख्वाब हो जाए हमेशा के लिए खौफो हिरास, ख्वाब में भी अब कभी कोई डरे ना मैं डर, सारे दहशत गर्द पहुँचे कैफरे किरदार को, सारे दहशत गर्द पहुँचे कैफरे किरदार को, ऐ खुदा हो जाए इस दुनिया में अब अमन सुकून, उसका नाम है दहशतगर्द। कहीं फिर बम फटा है और लगी है आग फिर कोई, कहीं फिर बम फटा है और लगी है आग फिर कोई, कहीं माँ बाप तड़पे हैं कहीं कोई बहन रोई, कहीं माँ बाप तड़पे हैं कहीं कोई बहन रोई, झुलस कर मर गई नन्नी कली मकतब के मलबे पर, झुलस कर मर गई नन्नी कली मकतब के मलबे पर, जो कल तक थी गुलिस्ता में वह मट्टी तले सोई, जो कल तक थी गुलिस्ता में वह मट्टी तले सोई, लहू है हर तरफ इंसान के आजा के टुकड़े हैं, लहू है हर तरफ इंसान के आजा के टुकड़े हैं, जहाँ हैवानियत हस्ती वहाँ इंसानियत हुई, जहाँ हैवानियत हस्ती वहाँ इंसानियत हुई, कहीं पर कोई भूखा है कहीं पर कोई जख्मी है, कहीं पर कोई भूखा है कहीं पर कोई जख्मी है, जीने देता है कोई न मरने देता है, न जीने देता है कोई न मरने देता है कोई, चले हैं लेके दिल बर्दाश्ता लाशों को दफनाने, चले हैं लेके दिल बर्दाश्ता लाशों को दफनाने, मकान रोया मकीन रोए फलक रोया जमीन रोए, मकान रोया मकीन रोए फलक रोया जमीन रोए, यहाँ हर राम पुरना, यहाँ हर दिल शिकस्ता है,
कैसे आ रहे हैं आप? यहाँ खराब कोरोना है, यहाँ हर दिल किसे कोई तसल्ली दे, करे फिर किसकी दिल जो। यहाँ खराब कोरोना है, यहाँ हर दिल शिकस्त है, किसे कोई तसल्ली दे, करे फिर किसकी दिल जो। मेरे सिस्टम का उनवान है सवाल। लोग ऐसे यहाँ भी होते हैं, रात को भूखे पेट सोते हैं। लोग ऐसे यहाँ भी होते हैं, रात को भूखे पेट सोते हैं। जितने सरदार हैं वतन में मेरे, रात को पेट भर के सोते हैं। जितने सरदार हैं वतन में मेरे, रात को पेट भर के सोते हैं। और ऐसे भी हैं गरीब यहाँ, भूख से जिनके बच्चे रोते हैं। और ऐसे भी हैं गरीब यहाँ, भूख से जिनके बच्चे रोते हैं। उनके माँ बाप का नहीं साया, माँ की आगोश को तरसते हैं। उनके माँ बाप का नहीं साया, माँ की आगोश को तरसते हैं। खा रहे हैं मजा वो कचरे से, खा रहे हैं मजा वो कचरे से, पेट की आग में झुलसते हैं। मांगते हैं वो भीख सड़कों पर, मांगते हैं वो भीख सड़कों पर, रोज जीते हैं रोज मरते हैं। ठोकरें राह की मुकद्दर है, ठोकरें राह की मुकद्दर है, नंगे पाँव सड़क पे चलते हैं, नंगे पाँव सड़क पे चलते हैं। और आखिर क्या हमारा भी हक है जीने का, क्या हमारा भी हक है जीने का, आपसे ये सवाल करते हैं, आपसे ये सवाल। ये मोहब्बत भी अजब चीज हुआ करती है, ये मोहब्बत भी अजब चीज हुआ करती है, दिल के इशार को आंखों से अदा करती है, दिल के इशार को आंखों से अदा करती है, जिनके पाकीजा दिलों में ये रहा करती है, जिनके पाकीजा दिलों में ये रहा करती है, ऐसे दिल वालों से ये दुनिया चला करती है, ऐसे दिल वालों से ये दुनिया चला करती है। फूल खुशबू सी गुलाबों सी हुआ करती है, फूल खुशबू सी गुलाबों सी हुआ करती है, सहने गुलशन में ये दुल्हन सी रहा करती है, सहने गुलशन में ये दुल्हन सी रहा करती है। वो मोहब्बत तो हंसी लगती है दुनिया सारी, वो मोहब्बत तो हंसी लगती है दुनिया सारी, उसने भी नाई को वो नूर अता करती है, उसने भी नाई को वो नूर अता करती है। दिल के गंगों और अंधेरों में है मस्कन इसका, दिल के गंगों और अंधेरों में है मस्कन इसका, ये चिरागों की तरह दिल में जला करती है, ये चिरागों की तरह दिल में जला करती है। और मुख्तार सर वो नहीं जानते क्या होती है उल्फत शमसा, वो नहीं जानते क्या होती है उल्फत शमसा, फसल नफरत की जहां रोज उगा करती है। वो नहीं जानते क्या होती है उल्फत शमसा, फसल नफरत की जहां रोज उगा करती है। कुछ मुंतफी बशार है, मुंतफी कस्बों से मुझे आपको सुनाई है। ये जिंदगी चमकता हुआ महताब है, ये जिंदगी चमकता हुआ महताब है, ये रोशनी की किरणों का एक आफताब है, ये रोशनी की किरणों का एक आफताब है। दुख सुख मिले हैं, दुख सुख मिले हैं जो भी किसी को नसीब से, दुख सुख मिले हैं जो भी किसी को नसीब से, अल्लाह ने हर एक का रखा हिसाब है, अल्लाह ने हर एक का रखा हिसाब है। कोई किरण उम्मीद की बुझने न दे कभी, कोई किरण उम्मीद की बुझने न दे कभी, अच्छी अगर जो सोच हो फिर इंकलाब, अच्छी अगर जो सोच हो फिर इंकलाब।
और शाह हमको तुम्हारे प्यार ने जीने नहीं दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने जीने नहीं दिया, मरना जो चाह चैन से मरने नहीं दिया, मरना जो चाह चैन से मरने नहीं दिया, वो जाम जिसको पी के तेरा गम भुला सके, वो जाम जिसको पी के तेरा गम भुला सके, साकी ने हमको जाम वो पीने नहीं, साकी ने हमको जाम वो पीने नहीं दिया, क्यों तुमने अपने प्यार में तिशना रखा मुझे, क्यों तुमने अपने प्यार में तिशना रखा मुझे, ये जहर पीना चाह तो पीने नहीं, ये जहर पीना चाह तो पीने नहीं, रोशन मेरी आंखों के दिए राह पे तेरे, रोशन मेरी आंखों के दिए राह पे तेरे, पलकों पे सितारे हैं सदे शाम सजाए, पलकों पे सितारे हैं सदे शाम सजाए, आँख में ढूंढोगे तो पाओगे ना आंसू, आँख में ढूंढोगे तो पाओगे ना आंसू, वो कीमती मोती जो बहुत हमने लुटाए, वो कीमती मोती जो बहुत हमने लुटाए, कहाँ तलक मुझे उछल करेगा नजरों से, कहाँ तलक मुझे उछल करेगा नजरों से, मैं तेरी आँख में रहती हूँ बन के बीना, मैं तेरी आंख में रहती हूँ बन के बीन आई, तेरे वजूद से दुनिया हसीन लगती है, तेरे वजूद से दुनिया हसीन लगती है, है तेरे पास मेरे दर्द की मसीहा, है तेरे पास मेरे दर्द की मसीहा, एक गुमगश्त सी जन्नत की मुतलाशी, एक गुमगुश्ता सी जन्नत की मुतलाशी, प्यार अनमोल मेरा प्यार की मैं वासी, प्यार अनमोल मेरा प्यार की मैं वासी, आज के दौरे पुराशों के इंसान को, आज के दौरे पुराशों के इंसान को बहुत है मोहब्बत की जरूरत, यही समझाती हूँ है मोहब्बत की जरूरत, यही समझाती हूँ जो अशार है, वो मुस्कुरा दिए तो कुछ ऐसा लगा मुझे, वो मुस्कुरा दिए तो कुछ ऐसा लगा मुझे, उनसे से खिल गए हो दिले बेकरार पे, उनसे से खिल गए हो दिले बेकरार पे, दाना जो डालता था वो आया नहीं, दाना जो डालता था वो आया नहीं, बैठे उदास परिंदे पतार, बैठे बैठे हैं उदास परिंदे कतार में, खंदे गुल मिसाल रहता है, खंदे गुल मिसाल रहता है, दिल में उसका ख्याल रहता है, दिल में उसका ख्याल रहता है, मेरी आंखों की इस उदासी, मेरी आंखों की इस उदासी में अब भी उसका जमाल रहता, मेरी आंखों के सुदासी में अब भी उसका जमाल है, आंखों से अड़ते हाल सुनाया न कीजिए, दिल मुस्तरिब है और सताया न कीजिए, आंखों से अड़ते हाल सुनाया न कीजिए, दिल मुस्तरिब है और सताया न कीजिए, ले जाएगा वो आंख से आंसू भी छीन कर, ले जाएगा वो आंख से आंसू भी छीन कर, हर बेवफा से नैन मिलाया न कीजिए, हर बेवफा से नैन मिलाया न कीजिए, हर शख्स पुरखलूस नहीं है जहान में, हर शख्स पुरखलूस नहीं है जहान में, अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया न कीजिए, और आखिरी दो शेरों के साथ आपसे रुसत, ये मुस्कुराता है जान बाहों में, मुस्कुराता है जान बाहों में, कोई जश्ता नहीं निगाहों में, कोई जश्ता नहीं निगाहों में, राखी शेर मुझको जोरे पलम और अता, मुझको जोरे पलम और अता, याद रखें मुझे दुआओं में, याद रखें मुझे
नूर इंटरनेशनल की जानिब से मैं आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। इस मुशायरे का वकार बढ़ा रही है आपकी शख्सियत आज इस महफिल में, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपकी दाद मिल रही है हमारे तमाम शौरा कराम को। आपकी मोहब्बतें, आपकी चाहतें साथ हैं तो कुछ कहने की, कुछ बोलने की हिम्मत जसारत रहती है मेरी। एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। जब हम बात करते हैं उर्दू घर की, जब हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें कम्युनिटी में किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी शख्सियत जिनके दिल में मोहब्बत है, एक हमदर्द दिल, हमारी कम्युनिटी का जाना पहचाना नाम, पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन उनकी शायरी हम सब के दिल के बहुत करीब है। मैं दावती कलाम देना चाह रही हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्हें आप सब जानते हैं। पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब से। गुजारिश कर रही हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर आमिर सुलेमान। कई फंक्शन हुए मगर छोटी सी तब्दीली के साथ कितनी खूबसूरत और कितनी तहजीबी अक्कासी हो गई। बात तो मौजू से हटके है मगर बात हो सकता है किसी का भला हो जाए। हमारी इस महफिल में रेहाना कमर ने भी शामिल होना था जो कि नहीं आ सकी, और उनके क्योंकि हस्बैंड बीमार हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिए। पता नहीं होता अल्लाह को किसकी दुआ पसंद आ जाती। उसके बाद छोटे बच्चे सुन, कोई है मसलाए जात में गुम, कोई है मसलाए जात में गुम, कोई है मकसद हयात में गुम, हुस्न रक्से तजलियात में गुम, इश्क है हद मुमकिनात में गुम, हर कोई अपनी जुस्तजू में मगन, मैं भी हूं अपनी कायनात में गुम। यूं तो वो ना आशना, यूं तो वो ना आशना, हर रूप में अच्छा लगा, कैसे यूं तो वो ना आशना, हर रूप में अच्छा लगा, पर वो उसका मुस्कुराना तो कयामत का लगा। यूं तो वो ना आशना, हर रूप में अच्छा लगा, पर वो उसका मुस्कुराना तो कयामत का लगा। जब उठा चश्मे तहय्युर से हिजाबे हस्तोभूत, जब उठा चश्मे तहय्युर से हिजाबे हस्तोभूत, क्या बताएं किसको देखा, कौन था और क्या लगा। आंख जब पहली दफा खोली जहाने हस्त ने, आंख जब पहली दफा खोली जहाने हस्त में, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ मुझे ऐसा लगा। आंख जब पहली दफा खोली जहाने हस्त में, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ मुझे ऐसा लगा। और शेर है कि उसको पाकर एक अजब एहसास महरूमी हुआ, उसको पाकर एक अजब एहसास महरूमी हुआ, राय गानी का ये आलम हिजर से गहरा लगा। और फिर तो कुछ ऐसा हुआ एक और ही मंजर खुला, फिर तो कुछ ऐसा हुआ एक और ही मंजर खुला, और वो खामोशियों के झुंड में बैठा लगा। ताके मजका के वरक
कुछ इस तरह तलपट हुए ताकि मिश्का के वरक कुछ इस तरह तलपट हुए अब तो डैलस भी हमें लाहौर के जैसा डॉक्टर आमिर सलमान अपना कलाम पेश कर रहे थे दिल में फिर ये वहम उठा है कोई मुझको देख रहा है पुरजोश तालियां डॉक्टर आमिर सलमान साहब के लिए एक मोहतरम नाम हमारे शहर डैलस का ये मेरे लिए भी एजाज की बात है कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सबके बीच हूँ उन तमाम शोरा कराम के बीच हूँ जिन्हें हम सुनना भी चाहते हैं उनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं सईद कुरैशी साहब गुजारिश करूँगी मैं कि आपके एजाज़ के साथ ही बुलाया जाए आपको एक मोहब्बतों का तोहफा आपके नाम खराज वक्त ने मांगा था हमसे जीने का खराज वक्त ने मांगा था हमसे जीने का सो एक शबाब था चौखट पे उसकी धर आए आप सबकी पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा सईद कुरैशी साहब आवाज़ आपको आ रही है अच्छा
لب سے لوگوں کو کچھ بتانا ہو اگر جرأت اظہار کی باتیں کریں جب نہ ہو کچھ نشے میں کا اثر جب نہ ہو کچھ نشے میں کا اثر شربت دیدار کی باتیں کریں شربت جب نہ ہو کچھ نشے میں کا اثر شربت دیدار کی باتیں کریں اور حق کی خاطر دان پر جو چڑھ گئے حق کی خاطر دار پر جو چڑھ گئے ان کے اس کردار کی باتیں کریں ان کے اس کردار کی باتیں کریں آنکھ کو دیکھیں اگر پر نم تو پھر آنکھ کو دیکھیں اگر پر نم تو پھر اشک گوہر بار کی باتیں کریں اشک گوہر بار کی باتیں کریں اور جب نہ پہنچے قافلہ منزل پہ تب جب نہ پہنچے قافلہ منزل پہ تب قافلہ سالار کی باتیں کریں قافلہ سالار کی باتیں کریں اور گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے جبہ و دستار کی باتیں کریں جبہ و دستار کی گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے جبہ و دستار کی باتیں کریں اور برسبیل تذکرہ جب ذکر ہو برسبیل تذکرہ جب ذکر ہو کوشش بیکار کی باتیں کریں کوشش بیکار کی باتیں کریں اور جب نہ ہو کوئی بھی موضوع سخن رضا جب نہ ہو کوئی بھی موضوع سخن تہمت اغیار کی باتیں کریں تہمت اغیار کی باتیں کریں اور اس دوستاں کا کیا ہوا اس ہجوم دوستاں کا کیا ہوا آؤ ان کے پیار کی باتیں کریں آؤ ان کے پیار کی باتیں کریں اس ہجوم دوستاں کا کیا ہوا آؤ ان کے پیار کی باتیں کریں گل کی نوک خار کی باتیں کریں زلف کی رخسار کی باتیں کریں